जिन्होंने लिखा है जीएसटी को 18% से 9% नहीं कर सकते। मैं प्रधानमंत्री होता तो जरूर कर देता, जीएसटी बंद ही कर देते। ये तो सरकार का डिसीजन है यार, मैं कैसे 9% उसको कर सकता हूँ। तो जो 18 है 18 है, जो सरकार ने कह दिया कह दिया। अच्छा, एक ये भी बोलते हैं कि बिल मत दो और जीएसटी को वो कर दो फिर। शाबाश, ऐसे नेक विचार है लोगों के। भाई माल ही नहीं पहुंचेगा आप लोगों का अगर ऐसे काम करोगे तो। पता है क्या होता है, देखो ऑफकोर्स इट इज इलीगल है ना, और अगर आप ऐसा करते हो और आप पकड़े गए, आपका सारा सामान सीज हो जाता है। 200% की पेनल्टी लगती है जीएसटी के ऊपर, सप्लायर को भी लगती है, परचेजर को भी लगती है। तो मैं तो ये प्रैक्टिस और ये चीजें कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ किसी को। जो भी आप जीएसटी पे करते हो ना, इन सब चीजों का आपको इनपुट मिलता है। कैसे इनपुट मिलता है, कैसे आपको जीएसटी पे करना होता है, जीएसटी अगर आपको इन चीजों की नॉलेज नहीं है, आप यहाँ पे आएंगे हर चीज के बारे में आपको गाइडेंस देंगे कि कैसे आपको टैक्सेस का बेनिफिट लेना है। अच्छा सर, ये तो चलो आपने जीएसटी वगैरह की बातें तो कर ली। एक बड़ा मुझे हंसी भी आई थी पढ़ के कमेंट कि इन्होंने बोला था कि पूरी पेमेंट डिलीवरी के टाइम कर देंगे, कैश ऑन डिलीवरी चाहिए लोगों को। अब यार ये कोई 5-6 हज़ार या 10 हज़ार का प्रोडक्ट तो है नहीं जो कैश ऑन डिलीवरी हो पाए, है ना। क्योंकि कोई भी जिम इक्विपमेंट होता है 20-25 लाख की डील तो होती है ना, क्योंकि कोई कमर्शियल सेटअप लगा रहा है। एटलीस्ट 10-15 लाख की तो होगी। हाँ मिनिमम 10-15 लाख, बट एवरेज 20-25 लाख का होता है सेटअप एवरेज। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी तो पॉसिबल ही नहीं है, आप कैश कैसे दे दोगे 25 लाख रुपए, है ना। और जो सप्लायर आपको माल दे रहा है ना, इक्विपमेंट्स दे रहा है, उसको भी तो एडवांस चाहिए ना प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए। अगर मान लो जो सप्लायर आपका है उसके पास 10 ऑर्डर्स है, ठीक है, तो वो 2.5 करोड़ का कैश ऑन डिलीवरी के हिसाब से जनरेट करेगा, नहीं किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मार्केट में कमर्शियल सेगमेंट में यही चलता है कि आप 50% एडवांस दे के ऑर्डर प्लेस करते हो, और जब आपकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी से पहले आप पेमेंट अपनी क्लियर करते हो, और फिर आपके पास स्टॉक पहुंचता है, सबके पास ऐसे ही पहुंचता है। अच्छा सर, ईएमआई का सिस्टम क्या है? ये बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि ईएमआई का सिस्टम क्या है, ईएमआई पे ले सकते हैं या नहीं, मतलब आप लोग ईएमआई पे दे दोगे? नहीं, कोई भी सप्लायर अपने एंड पे पूरे इंडिया में ईएमआई नहीं करता। ये बात आप मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूँ सबको। ईएमआई आपको करानी है, सीधी सी बात है, आपको बैंक लोन लेना पड़ता है, और बैंक लोन लेने के बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। आप मुद्रा लोन ले सकते हैं, PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसके तहत आप लोन ले सकते हैं जिम मशीन्स के ऊपर, उसमें सब्सिडी भी मिलती है कई स्टेट्स में। तो ऐसी और भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इनके तहत आप अपने बैंक मैनेजर को संपर्क करो, कॉन्टैक्ट करो, वो आपको गाइड करेंगे मैनेजर्स कि कैसे आपको लोन मिल सकता है। बट सप्लायर के एंड पे कभी भी EMIs नहीं मिलती हैं। या एक मशीन आपने किसी लोकल सप्लायर से आप ले रहे हो एक मशीन, तो बजाज फाइनेंस हो जाता है उस पर। अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली में ही आपको एक ट्रेडमिल लेनी है, और जिस दुकानदार या सप्लायर से आप ले रहे हो ट्रेडमिल, उसके पास बजाज फाइनेंस का ऑप्शन है, तो आपका बजाज फाइनेंस का कार्ड है, तो आपको एक मशीन के ऊपर फाइनेंस हो जाएगा। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स घर के खरीदते हैं, टीवी फ्रिज लेते हैं, उसमें EMIs हो जाती हैं। हाँ जी, बट वही 20-25 लाख इतनी बड़ी अमाउंट है कि हाँ, वो तो बैंक ही करेगा, बजाज फाइनेंस भी नहीं कर पाएगा इतना बड़ा अमाउंट। हाँ जी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप आने वाले टाइम में कोई भी वीडियोस मिस नहीं करेंगे।